पाकिस्तान में गिरफ्त भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन शुक्रवार रात हिंदुस्तान लौट आए। शुक्रवार रात 9:21 पर उन्होंने हिंदुस्तान के सर जमीन पर कदम रखा। स्वदेश की जमीन पर कदम रखते ही विंग कमांडर अभिनंदन ने जो बात कही वो हिंदुस्तान की मिट्टी की अहमियत बताने को काफी है। अभिनंदन की वतन वापसी को बेताब हजारों की तादाद में लोग सुबह से ही वाघा अटारी बॉर्डर पर जुटना शुरू हो गए थे। पहले खबर मिले कि अभिनंदन की शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक वतन वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह से इंतजार कर रहे लोगों की बेसब्री बढ़ने लगी। फिर खबर आई कि दोपहर 3 बजे के करीब वाघा अटारी बॉर्डर से पायलट अभिनंदन हिंदुस्तान लौट आएंगे, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हो सका। हाथों में तिरंगा और ढोल नगाड़ों के साथ हजारों लोग अभिनंदन के स्वागत को बेताब हो रहे थे। इंतजार बढ़ता जा रहा था। फिर खबर आई कि अभिनंदन शाम 6 बजे के करीब हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखेंगे। इस बीच हजारों की तादाद में आम हिंदुस्तानी अपने नायक की एक झलक पाने के लिए बेकरार थे। इंतजार बढ़ता गया और लोगों का जोश भी। आखिरकार रात 9:21 पर लोगों का इंतजार खत्म हुआ और हिंदुस्तान के वीर जवान अभिनंदन की एक हीरो की तरह वतन वापसी हुई। फक्र से सिर ऊंचा किए विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान से गेट पार करके भारत में प्रवेश किया। अभिनंदन को देखते ही हर किसी का चेहरा खुशी से खिल गया। सब ने अपने अपने तरीके से अभिनंदन का अभिनंदन किया। इतना प्यार पाकर अभिनंदन अभिभूत थे। अभिनंदन की आंखें वतन से इश्क में छलछलाई हुई थी। होंठ बहुत कुछ बोलने को बेताब थे, लेकिन जो सबसे पहले शब्द थे वो ये कि मुझे अब बेहद अच्छा लग रहा है। बस इस एक लाइन में ही अभिनंदन बहुत कुछ कह गए। वो ये कि हिंदुस्तान की मिट्टी उनके लिए कितनी मायने रखती है। वो ये कि हिंदुस्तान एक देश नहीं बल्कि एक परिवार है। वो ये हिंदुस्तान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी तो नहीं है। वो ये कि हिंदुस्तान है तो सब कुछ है। वो ये कि हिंदुस्तान में मेरी जान है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।